जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जन सुनवाई के दौरान आम जन की समस्याएं सुनी। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार आम जन की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। जन सुनवाई में जो भी समस्याएं लेकर आ रहा है उनके तुरंत समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार लोक सेवा गारंटी कानून पिछली कांग्रेस की सरकार के समय लाए थे, अब उस लोक सेवा गारंटी कानून को सख्ती से सरकार को लागू करना पड़ेगा। कोई भी काम हो वो काम करना पटवारी की, तहसीलदार की, कलेक्टर की, एसडीएम की, एडीएम की, सबकी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी पूरी यदि कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब लोक सेवा गारंटी कानून जो पिछली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार की थी तब लगा था, बीजेपी की सरकार आई उन्होंने लोक सेवा गारंटी कानून को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब उस कानून को सख्ती से हम लागू करेंगे। मेरा ये मानना, इतनी बड़ी तादाद में लोग पीसीसी में चलकर आ रहे हैं और ये रोज़ मेरे घर पे भी सैकड़ों आदमियों की इतनी भीड़ लगती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम होने में दिक्कत आ रही है। अब वो काम करना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ जो भी आएगा वो 100% रिजल्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी, कांग्रेस सरकार लेकर आएगी। जनता मालिक है, जनता की समस्याओं को दूर करना, काम करना हमारी जिम्मेदारी है।